हेलो बच्चों, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। कैसे हो आप सब? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? अभी आपके शायद से थर्ड यूनिट टेस्ट का एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहा है। कुछ बच्चों के स्कूल्स में ये एग्ज़ाम्स हो भी गए हैं और कुछ बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं। मतलब जो फेब्रुवरी मार्च महीने का फर्स्ट वीक है या फेब्रुवरी का एंडिंग वीक है, उसमें एग्ज़ाम्स है। तो इसीलिए मैं 8 लेसन आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगी। लेसन के साथ में ही हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। मतलब साथ में हमारा लेसन का समरी और क्वेश्चन आंसर्स दोनों हम एक साथ में ही करेंगे। और आगे के जो लेसन्स है उसके वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने के लिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ताकि आप लोगों को आगे के लेसन्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के जो वीडियोज़ मैं बनाती हूँ उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। खास करके मैं मैथ्स के ज़्यादा वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग उसके भी वीडियोस देख सकते हो। डिटेल में मैं मैथ्स के सम सॉल्व करके बताती हूँ, एक एक सम एग्जांपल के साथ में सॉल्व किया हुआ रहता है। तो आप लोग वो वीडियोस भी ज़रूर देखो, फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करो। और मेरा नया चैनल है एक राजीश किचन एंड मैनी मोर, आप लोग उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, तो एक बार उसे ज़रूर देखो और वो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे सब्सक्राइबर बढ़ने में हेल्प मिले। ठीक है बच्चों, तो लेसन का नाम क्या दिया है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेसन? द नेचुरल 8 लेसन है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमें दिया गया है द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन नेचर। जो चीज़ें नेचर में अवेलेबल है, नेचर में जो चीज़ें हैं और जो हमारे यूज़ की है। आप देखोगे तो हर चीज़, पानी है, खाना है, कपड़ा है, और बहुत सारे जो फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, प्लांट्स के लिए हम जो सॉइल यूज़ करते हैं, ये सब कहाँ से मिलता है हमें? नेचर से मिलता है। मैन ने खुद से कुछ बनाया हुआ है? नहीं, तो ये हमें नेचर से ही मिलता है। एंड द नेचुरल थिंग्स दैट मैन यूजेस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। मैन यूजेस मतलब मैन मीन्स ह्यूमन बींग्स, पूरे इंसान हम उसे यूज़ करते हैं। मैन फुलफिल्स हिज नीड्स यूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेस, और इन सब चीज़ों को यूज करके ही मैन अपने जो नीड्स है, ज़रूरत है, उसे पूरा करता है। एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन नेचर, देयरफॉर दे आर इनवैल्यूएबल। मतलब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ पर दिया गया है, देखो आप यहाँ देखोगे तो ये पिक्चर्स दिए हैं, इसमें आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी करते हुए ह्यूमन दिखाई दे रहा है, मैन दिखाई दे रहा है, एग्रीकल्चर है, फिर उसके बाद सेकेंड में देखोगे फिशिंग, कलेक्टिंग ऑफ हनी, कलेक्शन ऑफ हनी, ड्राइंग वाटर, जो वेल से पानी निकाल रहा है, ड्राइंग वाटर, गैदरिंग वुड, वुड कलेक्ट करके क्या करते हैं यूज़? यस, ये हम यूज़ करते हैं फायर के लिए। गांव में आप देखते हो चूल्हा जलाते हैं, तो चूल्हा जलाने के लिए वुड का ज़रूरत होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, जंगल में जाकर वहाँ पर जो सूखी लकड़ियाँ गिरी होती है या झाड़ होते हैं सूखे हुए, उसके टहनियाँ तोड़कर लेकर आते हैं, क्योंकि गांव साइड में आप देखोगे तो गैस वगैरह जल्दी लोगों के घर में अवेलेबल नहीं होता है और वो इसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। देन माइनिंग, हियर वी हैव अ मैसन एट वर्क। मैसन क्या कर रहा है? घर बनाने का काम, जिसे हम गवंडी कहते हैं मराठी में। हाँ, वो क्या कर रहा है यहाँ पर? वो घर बनाने के लिए काम कर रहा है। देखो ये लेडी भी अपने सर के ऊपर एक गमेले में ईंट लेकर जा रही है, ब्रिक्स लेकर जा रही है। देन एक्सट्रैक्शंस ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट पैन होता है, सी वाटर सॉल्ट पैन में कलेक्ट हो जाता है और बाद में सनलाइट की वजह से, सन की गर्मी की वजह से वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होने के बाद वहाँ पर सॉल्ट लेफ्ट हो जाता है, और वो सॉल्ट को वह एक्सट्रैक्शंस ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट को निकाल रहा है। देन कलेक्शंस ऑफ रबर लेटेक्स, तो यहाँ देखोगे आप तो ये झाड़ में ना ऐसे देखो इस तरह से कर्व किया है, और वो जो कर्व करते हैं इसमें से जो चीक निकलता है वाइट कलर का दूध के जैसे, उसे कलेक्ट करते हैं, ऐसे बकेट्स लगा कर जाते हैं और फिर वो भर जाते हैं। तो ऐसे इसके भी प्लांट्स होते हैं,
ये प्लांटेशन होता है जगह पर, और ये जो कलेक्ट होता है इससे ही रबर की चीज़ें, जैसे आप लोग बॉल देखते हो या इरेजर है या रबर से और बहुत सारी चीज़ें बनती है वो सब बनाया जाता है। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, गैदरिंग ऑफ द रेजिन फ्रॉम ट्रीज। अभी रेजिन मीन्स क्या है, आप लोगों ने देखा होगा आपकी मम्मी शायद से गोंद के लड्डू बनाती है, तो जो गोंद होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिन। तो ये यहाँ पर उसे कलेक्ट कर रहा है, निकाल रहा है, मतलब जो प्लांट होते हैं ट्रीज होते हैं वो अपने अंदर के चीज़ें जो है जो उन्हें यूज़ नहीं है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं थ्रू आउट द ट्रंक, ट्रंक से वो बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कलेक्ट होता है, आप देखो ऐसे इतना छोटे छोटे से ऐसे बॉल्स टाइप वो कलेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुड़ होता है, गुड़ कैसे दिखाई देता है, या आप लोग कोई स्टिकी चीज़ देखोगे वो कैसे दिखाई देती है, ऐसे ही वो होते हैं और उसे निकाल के लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेजिन। फिर यहाँ दिया है फिगर 13 में, ट्रांसपोर्टेशंस बाय अ बैक पैक एनिमल। अगर यहाँ पर देखोगे तो आप एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब तो ये ओल्ड डेज में बहुत ज़्यादा होता था, आजकल तो कम हो गया है बिकॉज व्हीकल्स अवेलेबल हैं, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, तो अभी हम यहाँ इसके सारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे मैं आप लोगों को पार्ट्स जो है वो भी एक्सप्लेन करते जाऊंगी, ताकि आप लोगों को आसानी से सारे आंसर्स पता चले। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स, मिनरल एंड लैंड। तो इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो ये यूजेस हमें लिखने हैं। सो आई विल शो यू दैट, सी यू। वाटर, वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर फार्मिंग, कैरिंग आउट, फिशिंग, प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एक्सेट्रा। सॉल्ट भी बनता है ना, वो पानी से ही बनता है ना, सी वाटर से। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के क्या क्या यूजेस है, फॉरेस्ट आर यूज फॉर गैदरिंग प्रोडक्ट्स सच एज फ्रूट्स, फ्लावर्स, वुड, हनी, हनी, रबर, रेजिन, लेटेक्स एक्सेट्रा। द फॉरेस्ट आर द हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स। हैबिटेट क्या है, तो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, वो उनकी रहने की जगह है, हाँ उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट। एनिमल्स, एनिमल्स आर यूजफुल फॉर प्लगिंग, राइडिंग, प्लगिंग के लिए काऊ बफेलो को हम यूज़ करते हैं, बुलक यूज़ करते हैं, राइडिंग के लिए हॉर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के लिए कैमल है, डोंकी है एक्सेट्रा। दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर गैदरिंग प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, बोन्स, हाइड। हाइड मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं तो उनके ऊपर का जो स्किन है उसे भी यूज़ किया जाता है, उसे हाइड कहते हैं, एंड वूल एक्सेट्रा। मिनरल्स, द मेटेलिक मिनरल्स आर यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग वेरियस मेटल्स, एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग वेरियस केमिकल्स। तो जो मिनरल्स फाइंड करते हैं हम माइन से, उसमें से जो मेटल है वो फिर हम उसकी मेटल से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे आपके घरों में देखो कि आप स्टील है, जर्मन है, या पीतल के बर्तन होते हैं, तो ये सब मेटल है ना एक टाइप का, और जो नॉन मेटल है वो सब यूज होते हैं एज अ केमिकल। फिर उसके बाद दिया है लैंड, लास्ट हमारा है लैंड है, तो यहाँ पे लैंड के बारे में देखेंगे। लैंड इज यूज फॉर सेलिंग एंड बाइंग, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, देन ट्रेडिंग, कैरिंग आउट बिजनेस एक्सेट्रा। ऑल लिविंग थिंग्स दैट आर बॉर्न ऑन लैंड ग्रो। तो लैंड के ऊपर ही हमारा घर है, हमारा काम धंधा जो हम करते हैं वो सब लैंड के ऊपर ही है ना, तो लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन लिव एंड डाई ऑन द लैंड इटसेल्फ। तो हम लैंड से ही पूरे कनेक्टेड हैं, लैंड पे ही हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, और लैंड के ऊपर जीते हैं, और लैंड पे ही हम मरते भी हैं। सो ये हमारे पूरे 5 यूजेस हमने बता दिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो यहाँ पर एक कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट।
तो यहाँ पर फ्लो चार्ट में क्या दिया हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेस, सॉइल एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। रेस्पिरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एयर, जो हवा रहती है इसे हम यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से वो एक चार्ट दिखा देती हूँ, रेस्पिरेशन एयर, जो डार्क दिया है वो फील वर्ड है और जो लाइट है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये डिफरेंस है। वाटर, फार्मिंग, फिशिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, सॉल्ट मेकिंग एक्सेट्रा। मिनरल, मेटल, देन वेजिटेशन, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वुड, रबर, रेजिन, लेटेक्स एक्सेट्रा। एक्सेट्रा क्यों दिया, बिकॉज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर तो सिर्फ ऐसी चार पांच दे दिया है हमें, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एनिमल्स, प्लगिंग, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फॉर गेटिंग मिल्क, एग्स, बोन्स, मीट, हाइड, वुड एक्सेट्रा। जो आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा इसमें जैसे दिया है ये सेम आंसर जी इसमें भी है। देन आफ्टर दैट वी हैव लैंड, यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है एक्चुअली, तो यहाँ पर हम कौन सा लिखेंगे, लैंड लिखेंगे। सेलिंग एंड बाइंग, जो दिया है एक्चुअली हमें लैंड का वही हमें लिखना है। सेलिंग एंड बाइंग, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, ट्रेडिंग, कैरिंग आउट बिजनेस एक्सेट्रा। ओके, आप लोगों को ये समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल वे है इसे इसी तरह से फील करना है। देन आफ्टर हियर वी हैव क्वेश्चन आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे बनता है, उसके लिए कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहाँ पर दैट आंसर वी विल सी। ओके, हियर वी हैव दैट ड्यू टू कंटिन्यूस वेरिएशंस इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है उसके वजह से क्या होता है, जब रॉक्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कचरा अगर एक जगह पे पड़ा हुआ है तो वो पड़े पड़े सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो वैसे ही जो रॉक्स है बहुत सालों के बाद वो डिकम्पोज होते हैं ड्यू टू रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड विंड्स। रॉक्स पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड स्लोली टूवर्ड लो लाइंग एरिया, और वो क्या होते हैं, एक लो लाइंग एरिया मतलब ऊपर से कोई भी चीज़ देखो आप, ऐसे अगर स्लोप होगा तो चीज़ नीचे बह के चली जाती है, ढलान की वजह से नीचे चली जाती है, स्लोप पे से नीचे उतरती है, तो वैसे ही जो रॉक्स होते हैं वो भी नीचे नीचे उतरते हैं। एंड इन दिस वे द फैक्टर्स लाइक द ओरिजिनल रॉक, क्लाइमेट, देन ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स, स्लोप ऑफ लैंड एंड द टाइम इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, द फैक्टर्स लाइक, यहाँ से भी आप अगर इसको, अगर आपको स्कूल में शॉर्ट आंसर दिया है तो यू कैन जस्ट लर्न दिस वन। हाँ, ये इतना पार्ट इम्पॉर्टेंट है। देन सेकेंड है, विच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, विच और थिंग्स वी ऑब्टेंड फ्रॉम फॉरेस्ट। So where we have that answer? तो फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है ये हमने अभी देखा था, तो वो आंसर भी हम कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। देखो, फ्रूट, फ्लावर्स, वुड, रबर, रेजिन्स, देन द लेटेक्स एक्सेट्रा, ये हम फॉरेस्ट से, तो यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है आप ये कंटिन्यू कर दो, वो आंसर के लिए सेम आंसर यू विल गेट देयर। ओके, जो मैंने पहले रिपीट किया हुआ है। उसके बाद व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स के क्या क्या यूजेस हैं, राइट द यूजेस ऑफ मिनरल। देखो, क्वेश्चन को थोड़ा अलग कर दिया है बट आंसर इज सेम। द मेटलिक मिनरल्स आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट मेटल्स सच एज आयरन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर यूज इन ऑब्टेनिंग वेरियस केमिकल्स, दीज केमिकल्स आर फर्दर यूज फॉर प्रिपेरिंग डिफरेंट मेडिसिंस, क्योंकि यहाँ पर केमिकल दिया है ना, तो इसके लिए दे आर यूज फॉर मेडिसिन। सो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, मैं आप लोगों को थोड़े इंपॉर्टेंट आंसर्स भी बता रही हूँ जो आपको अच्छे से करने हैं, ये भी आप लोग करो बहुत अच्छे से।
Then after, what are the purposes for which land is used? तो land किस चीजों के लिए use होता है? तो यहाँ पर ये जो हमने answer देखा था, again the same answer you have to write there. कोई changes करना नहीं है, ये same answer ही आप लोगों को वहाँ लिखना है. Then we have, why is it necessary to conserve the natural resources? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं उसे कंजर्व क्यों करना है, उसे बचाना क्यों है हमें? क्योंकि सब कैसे है, थोड़े से लिमिटेड भी है ना. तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर एंड इंक्रीज अ ह्यूमन पॉपुलेशन. और अभी तो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, हर जगह पे आप देखोगे लाखों करोड़ों लोग रहते हैं. एंड द ग्रीड ऑफ ह्यूमंस लेड टू एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और अभी क्या हो रहा है, लोग एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा. एक गाड़ी से एक इंसान जाएगा जिसमें चार जन पांच जन बैठ सकते हैं, ऐसे गाड़ी में सिर्फ एक इंसान बैठकर जाता है, दो जन बैठते हैं, तो कितना फ्यूल एक्स्ट्रा यूज हो रहा है. इसीलिए हमें ट्रांसपोर्ट भी कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए ज़्यादातर. दिस बिगेन टू ऑफसेट द बैलेंस ऑफ नेचर एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. और नेचुरल चीज़ें अगर ख़त्म हो गई तो हम लाएंगे कहाँ से? वी कैन नॉट प्रोड्यूस दैम, हम खुद उसे बना ही नहीं सकते हैं. ओके, देन वॉट आर द पर्पज फॉर विच लैंड इज यूज. अभी जैसे मैंने लैंड यूज का यहाँ पर ये दिया था क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ दिया हुआ है, हियर यू हैव दैट आंसर. ओके, देन आफ्टर दैट वी विल सी सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, राइट और रॉन्ग के लिए हाँ ऐसे आ सकते हैं. नेम द फॉलोइंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम में, एक एक मार्क्स के लिए आते हैं ऐसे आंसर्स. प्लेस अ टिक मार्क राइट अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो आप लोगों को राइट ऑप्शन के आगे टिक मार्क करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन पोलर रीजन? टुंड्रा. अभी यहाँ पर देखोगे आप लोग तो मैंने जैसे बताया था, मैं आप लोग वो भी एक्सप्लेन करूँगी. तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें अलग अलग टाइप के रीजन दिए गए हैं, डेसीडियस फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, थॉर्नी श्रब्स, देन टेम्परेट ग्रासलैंड, मिक्स फॉरेस्ट, देन हियर वी हैव ब्रॉड लीव फॉरेस्ट एंड हियर कॉनिफोरियस फॉरेस्ट एंड दिस इज वॉट टुंड्रा. तो पोलर बेयर कहाँ मिलते हैं, कौन से रीजन में मिलते हैं? टुंड्रा. ठीक है, ये आप कहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है, बाद में मैं आप लोगों को वो भी देखो यहाँ दिया हुआ है टुंड्रा एंड मैनी एनिमल्स लाइक द हैबिटेट. एनिमल्स रीजन, एनिमल्स एम्प्लॉयड फॉर द प्लगिंग. ओके, यानी टाइप्स ऑफ द नेचुरल. ठीक है, मैं आप लोगों को लास्ट में अंडरलाइन करके दिखाती हूँ जो आंसर है, बट यू कैन नोट दिस आंसर. ये आंसर को आप नोट कर लो और उसके आगे क्वेश्चन के आगे क्या करना है, डैश करके टुंड्रा लिखो. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एम्प्लॉयड फॉर प्लगिंग? प्लगिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑक्स. कैमल को यूज़ नहीं करते हैं, एसेस को भी यूज़ नहीं करते हैं. जो एस मतलब क्या है, जो डोंकीज होते हैं, डोंकीज में ही अलग टाइप होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसेस, उसे एस कहते हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट से क्या मिलता है? सॉल्ट मिलेगा? नहीं. फिश? नहीं. तो क्या मिलता है? रबर. देन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट द रॉन्ग वंस. जो रॉन्ग दिया है उसे राइट करके भी हमें लिखना है. एयर इज अवेलेबल इन प्लेंटी. सब जगह पे एयर है? यस, राइट. वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम रिवर वाटर? नो. रिवर वाटर कैसा है? स्वीट है. हाँ, रिवर वाटर में बहुत ही एकदम लिटिल अमाउंट सॉल्ट होता है, दिस इज रॉन्ग. तो ऑब्टेन, वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. नेचुरल रिसोर्सेज आर टू बी यूज इन अ जुडिशियस मैनर, राइट. बहुत ही उसे हमें संभाल कर, नेचुरल रिसोर्सेज को हमें संभाल कर यूज करना है, जुडिशियस मैनर में, इकोनॉमिकली. देन व्हाट इज गिवन हियर, नेम द फॉलोइंग.
ओके, नेचुरल रिसोर्सेज एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट, एनिमल, मिनरल्स एंड लैंड. देन द नेचुरल रिसोर्सेज यूज फॉर बर्निंग एयर. तो एयर कैसे यूज होता है बर्निंग में, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए बर्न होने के लिए, और ऑक्सीजन कहाँ पे है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर, इसलिए एयर है. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से फिर से देखो, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वुड, हनी, रबर, रेजिन, लेटेक्स एक्सेट्रा. रिवर बेसिन्स हेल्प इन फ्लोरिशिंग एंशियंट सिविलाइजेशन. तो कौन कौन सा सिविलाइजेशन था, सिंधु, इंडस वैली, देन नाइल, टिग्रीज, देन हियर वी हैव यूफ्रेटिस एंड द यंगजेड, यंगजेड एक्सेट्रा. तो ये सिविलाइजेशन क्या है, जो रिवर के बेसिन के ऊपर, जहाँ पर रिवर है, नदियाँ है, तो नदी के किनारे के ऊपर जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ एंशियंट टाइम में, जब कौन थे, स्टोन एज मैन थे, वो टाइम पे जो स्टार्ट हुआ, दैट आर दिस. तो यहाँ पर ये फाइव नेम्स हमें दिए हैं. एनिमल एम्प्लॉयड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कैरिंग गुड्स. तो ट्रांसपोर्ट और कैरी करने के लिए सामान किसे यूज करते हैं, गुड्स मतलब सामान, हॉर्स, ऑक्सन, कैमल, एसेस. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. तो एनिमल से क्या क्या मिलता है, देखो, हमें मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं, मीट है, मटन हम खाते हैं, जो बोन्स हैं, हाइड मतलब उनकी चमड़ी मिलती है, वूल, हाँ, शीप से वूल भी मिलता है, ठीक है, एक्सेट्रा. नॉन मेटलिक मिनरल्स, जिप्सम, रॉक सॉल्ट और कैलेसाइड एक्सेट्रा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, तो यहाँ पर मैं टिक मार्क कर देती हूँ, आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज करके लर्न करो, बिकॉज एग्जाम में आजकल तो आप लोगों को क्या आ रहा है, ज़्यादातर ऑप्शंस आते हैं एमसीक्यूज के, तो यू कैन राइट दिस आंसर्स. व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, द नेचुरल थिंग्स दैट मैन यूज फॉर फुलफिल नीड्स, हिज नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, सॉइल है, क्योंकि देखो सॉइल ही नहीं होगा तो प्लांट हम किस में सो करेंगे, पानी तो बाद में आया लेकिन पहले तो सॉइल है. देन वॉट आर द मिनरल्स, द मिनरल्स आर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट फॉर्म इन नेचुरली ऑक्योरिंग केमिकल्स प्रोसेसेस. वेयर डू एनी मिनरल्स मेनली कम फ्रॉम, सो मिनरल्स मेनली कम फ्रॉम रॉक्स. तो कहाँ से मिलते हैं, वो हमें रॉक से मिलते हैं, बड़े जो पत्थर होते हैं उसमें से मिनरल्स मिलते हैं, और उसे फोड़ कर उनके अंदर पूरा, मतलब जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे रॉक्स होते हैं, उसे फोड़ कर माइंस बनाए जाते हैं, और माइन के अंदर से फिर हम मिनरल्स निकाल के लाते हैं. How much is the proportions of the land on the earth? तो अर्थ के ऊपर लैंड कितना पार्ट है? The proportions of land on the earth is nearly 29.20%. तो ये अंडरलाइन करके रखो. That is given here. देखो यहाँ टेक्स्ट बुक में आप देखोगे पेज नंबर 49 पर तो दिया हुआ है, और यहाँ पर भी ये जो आपका पेज नंबर 4 पॉइंट्स ये आंसर है ये भी दिया है. द इन इंक्रीज द पॉपुलेशन एंड द ग्रीड ऑफ द ह्यूमंस, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है जो अभी मैंने जस्ट रीड किया था, ठीक है. देन आफ्टर दैट सारे आंसर्स हो गए हैं हमारे, कंप्लीट है. ओके, हियर इन दिस फिगर यू कैन सी इंडियन ओशन है यहाँ पर दिखाया गया है, एंड दिस इज़ अवर इंडिया, यहाँ पर इंडिया है. एशिया में इंडिया कहाँ पर आता है, इन एशिया. ये अफ्रीका है यहाँ पर, ठीक है. रिवर्स भी दिए है, इंडस वैली जो है मैंने अभी रीड किया था, तो ये इंडस वैली यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर ये है यांगजी चाइना के यहाँ पर. ठीक है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है, आप इसे भी देखो तो आप लोगों को ज़्यादा पता चलेगा कि कैसे. देखो अभी फॉरेस्ट लैंड में भी देखोगे तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कैसे है, सिर्फ ग्रास है वहाँ पर, हाथी से भी ऊंचा ग्रास है. इसे देखकर क्या पता चल रहा है कि वो हाथी से भी ऊंचा है, मतलब हाथी वहाँ पर जाके छुप सकते हैं, हाइड हो सकते हैं.
ये जो नेम्स मैंने दिए आप लोगों को, दोज नेम्स वी हैव हियर, तो अंडरलाइन करके आप रखो टेक्स्ट बुक। अगर आपके पास डाइजेस्ट नहीं है तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर भी आंसर्स को कॉपी कर सकते हो, और साथ ही अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में भी आप अंडरलाइन करके रखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन्स मैंने अंडरलाइन करके रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, और मेरा और एक चैनल है राजेश किचन एंड मैनी मोर, वो भी एक बार देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो उसे देखो और वो वीडियो को भी आप लोग लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे नए चैनल को। ठीक है, थैंक यू।